तो आज जो बताऊंगा, अगर कोई अगर चीप लेवल मैंने स्टेप पर अगर कोई रिपेयर करना चाहते हैं या करते हो, तो आप लोगों को ध्यान से वो देखना है कि कोई भी आईसी हो, देखिए तो यहाँ पे एक आईसी नहीं है। तो अगर दूसरे मतलब यहाँ से अगर कोई भी आईसी रिमूव करके यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो बीच बीच में देखोगे कि इसका जो आईसी का पिन है शॉर्ट हो जाता है, कई बार डैम हो जाता है। मतलब रिमूव करके रखते हो तो एक महीने या दो महीने के बाद अगर वो आईसी यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे रस्ट निकल जाता है। उस आईसी को आप जब भी आप कोई मदरबोर्ड में यूज़ करोगे तो सही पे मतलब सही से पिन को कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। तो उसी वजह से जो आईसी का दिक्कत हो रहा है, मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो उसमें जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो करूँगा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तीन आईसी में यहाँ पे क्लीन कर दिया हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे एक आईसी बैठा हूँगा। तो मेरे पास एक पुराना आईसी है, तो कैसे इस पुराना आईसी को क्लीन करते हैं और कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए, मतलब पकड़ लेगा, तो इसको लिए आज ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो इसको तो मैंने देखिए इसको थोड़ा क्लीन कर दिया हूँ, और अभी इसको क्लीन करूँगा, क्लीन करके दिखाऊँगा कि साफ़ सुथरा आईसी कैसे दिखने होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करो, अच्छा जूम करो, जूम ही लग जाए, जूम चला जाएगा तो देख सकते हो ये जो आईसी है ये पूरा गंदा टाइप का है। देखिए कलर देखिए इसका, और ये अभी जो डायरेक्ट अगर कोई मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर देंगे तो कनेक्टिविटी सही से नहीं पिनों में कनेक्ट होगा। तो इसको आईसी को पूरा क्लीन करना चाहिए और साफ़ सुथरा करके ऐसे टाइप का होना चाहिए। अगर ऐसे टाइप का होगा तो ये बोर्ड में अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी होगा। तो चलो देख लेते कैसे इसको क्लीन करते हैं। इसको कनेक्टिविट करने के लिए आपको जो करना चाहिए, तो थोड़ा सा फ्लेक्स दे देंगे बोर्ड को ऊपर, मतलब सॉरी आईसी के ऊपर। तो थोड़ा एक आयरन लेंगे पतली सी, ओके, और जितने सारे पिन हैं पिनों की तरह ऊपर थोड़ा ड्राई सोल्ड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये कितने पुराना आईसी है इसको पता नहीं, लेकिन सही है तो ऐसा कुछ बात है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए थोड़ा सा क्लीन करता हूँ कैसे, तो बहुत गंदा है, देखिए पूरा बोर्ड जो है पूरा गंदा है, ओके। देखिए अभी जो करूँगा इसको साफ़ कर दूँगा, देखिए जितने सारे रस्ट वगैरह थे वो पूरा क्लीन हो गया है। और देखिए पिन जो है, पहले पिन सही तरीके से नहीं दिखा जा रहा था, अभी जो है ये पूरा आईसी का जितने सारे पिन है ये बाहर आ गए हैं। तो अभी करूँगा इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगा, तो अभी जो करूँगा इसको थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का थिनर लेके थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो जितना साफ़ सुथरा काम उतना चकाचक होगा और अच्छे जो कनेक्टिविटी होता है वो अच्छे से पकड़ लेगा और बहुत दिनों तक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो ये जो आईसी है चकाचक हो गया है। और अभी जो करूँगा इसको थोड़ा सा फ्लेक्स लेंगे और अच्छे से फ्लैक्स लेंगे, थोड़ा सा एक बार पकड़ दे ले, ठीक है, फ्लेक्स को सुखा लेंगे। तो सुखाने के बाद जो करेंगे थोड़ा सा फ्लेक्स देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा लिक्विड रंग, लिक्विड रंग लेके इसका जो पिनो है इस पिनो के थोड़ा सा बीच बीच में एक बार लगाएंगे। तो ये देखिए ये पिन क्लियर आ रहा है,
तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो जितने सारे यहाँ पे 3 IC है, इसको साफ नहीं किया है और इसका थोड़ा सा साफ किया है और देखो चकमक रहा है, पहले क्या कंडीशन में था और अभी क्या कौन सा कंडीशन में IC है यहाँ पे देख सकते हो। तो IC को कोई भी IC को ऐसे ही साफ़ सुथरा करना चाहिए, अगर साफ़ सुथरा IC करोगे तो कोई भी IC अगर इस बोर्ड में लगाओगे तो चरक से एक कनेक्टिविटी हो जाएगा, एक चांस में आपका बोर्ड है तैयार हो जाएगा। अगर साफ़ सुथरा IC नहीं लगाओगे मदरबोर्ड में तो उस IC की वजह से बोर्ड दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसलिए कोई भी IC लगाओ तो उसका पिन कनेक्टिविटी जो होता है वो अच्छी से थोड़ा रंग लग के उसको पिन को सही करना है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी पकड़ ले ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा टाइप का अगर कोई भी नया IC हो या पुराना IC हो ऐसा कनेक्टिविटी अगर जोड़ लेते हो कोई भी IC पे तो वो जहाँ पे बैठोगे उस अच्छे तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है, और वो IC में दिक्कत कम होगा, ठीक है। तो वॉचिंग करने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, गुड बाय।